आप मुझे बता सकते हैं, मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मास भाई कब मिलेंगे हमें यहाँ? यार गुड क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा सवाल है। आज मसला ये था कि आज हम लोगों ने सोचा कि माँ सफदर ने एटीएम मॉल में परफ्यूम की शॉप खोली है, उसकी शॉप का जो है विजिट किया जाए और वहाँ पे परफ्यूम्स के रेट लिए जाएँ कि वहाँ पे किस तरह से वो किस हिसाब से बेच रहे हैं। तो उस एटीएम मॉल के अंदर आपको विजिट कराएंगे, वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे भी और फिर कोशिश करेंगे अगर माँ सफदर हमें खुद मिल जाते तो उनसे बात भी करेंगे और वो मिल गए तो उसे हमारी खुशनसीबी होगी कि वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं तो हमें उनसे मुलाकात हो जाती है तो उससे कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगा, उनसे बातचीत भी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं उनकी शॉप पर, देखते हैं कि वो हमें मिलते हैं या नहीं। ये देखें सामने जो है केबीसी आ गया है और ये बिल्कुल इसके सामने जो है ये हमारा एटीएम मॉल आ गया है। अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं और फिर देखते हैं कि हमारी माँ सफदर से मुलाकात होती है या नहीं। भाई एटीएम मॉल के अंदर तो हम आ गए हैं तो यहाँ पे हमें बैक साइड पे जो है मेरे आप अगर दिख रहा हो तो माँ सफदर की जो है परफ्यूम की शॉप जो है मुझे दिख गई है। तो अभी इसके अंदर जाने वाले हैं और इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं परफ्यूम के हवाले से। अब ये देखते हैं कि हमें इजाज़त देते भी हैं पर अपनी दुकान की पब्लिसिटी करने के लिए या नहीं। सही है, चले मेरे साथ साथ चलते हैं। ये मैं जा रहा हूँ शॉप के अंदर एंट्री करने के लिए जा रहा हूँ। ये है कि अभी कुछ लोग जो है यहाँ पर अंदर खड़े हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे इनको डिस्टर्ब किया जाए तो अभी थोड़ा सा बाहर से खड़ोगे आप देख सकते हैं। ये मेरी बैक साइड पर जो है इनकी शॉप है, सही दिख रहा होगा, मगर यहाँ पे माँ सफदर खुद तो नहीं है, बहाल से उनके भाई हैं शायद। सही है, चलें अभी मैं आपको थोड़ी सी दुकान का विजिट भी कराता हूँ। ये देखें ये शॉप है, ये माँ सफदर लिखा हुआ सर। शॉप है अच्छी, काफ़ी अच्छी बनाई हुई इन्होंने शॉप ना, और देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलें अभी ये ऑडियंस ये बाहर निकल जाती है तो फिर हम भी इनके अंदर जाएंगे जो आपको ख़रीदने के लिए आए हैं तो सलाम दुआ करेंगे, कुछ रेट लेंगे इनसे सवाल। अच्छा पीछे माँ सफदर की वीडियो भी चल रही है, आप ये देखें एटीएम मॉल है, ये देखें बहुत फेमस हो गई है इनकी शॉप जो है। जब माँ सफदर यहाँ खुद आया था तो आपने देखा होगा कि एटीएम मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा रश था तो आज हमने सोचा कि उनकी दुकान पे आ जाए, मगर हमें माँ सफदर नहीं मिले तो इसका मतलब है आज हम परफ्यूम नहीं खरीदेंगे। हमने सोचा था कि माँ सफदर यहाँ पे खुद हुआ तो मैं ज़रूर यहाँ से जो है परफ्यूम खरीदूँगा। चले भाई हम तो वेट कर रहे हैं कि माँ सफदर की दुकान पर जो है ना बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ऑडियंस बहुत आई हुई है, तो हम सोचेंगे दुकान थोड़ी छोटी है कि उसके अंदर जो ज़्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते तो इसी से हम बाहर वेट करना पड़ रहा है कि जब वो ऑडियंस जो मतलब आगे अंदर जो लोग हैं कस्टमर के हम कह सकते हैं और माँ सफदर के फैन भी कह सकते हैं, अगर वो जब बाहर निकलेंगे तो फिर हमारा नंबर आएगा, अंदर जाके वीडियो बनाएंगे और रेट मालूम करेंगे परफ्यूम के कितने हैं कितने नहीं हैं। चल थोड़ा सा वेटिंग में कर रहे फुल वेट कर रहे हैं, हम भी उन वेटिंग रूम में बैठे हुए कि शायद होता था अभी हमारा भी नंबर आ जाता चल रहा है। चलिए मैं देख लीजिए आप लोग देख रहे होंगे मैं सब तक शॉप में आ गया हूँ और मास्क तक खुद तो मुझे नाम लेना उनकी बैक साइड पे तस्वीर दिख रही है मुझे तो वो मास्क तक भाई की तस्वीर है। अभी इनसे हम जाके परफ्यूम से रेट लेने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि कौन सा परफ्यूम कितने का मिल रहा है और फिर इनसे रेट भी लेकर मास्क पूछेंगे मास्क भाई किस दुकान पर कब होते हैं। चले देखते हैं थोड़ा सा ये भाई बात कर रहे हैं, भाई से ज़्यादा से फिर हो जाते हैं तो इन शाला तला जो है मैं उनसे मिलने वाला हूँ। हाँ ये देखें दुकान तो बहुत खूबसूरत बनाई है, शॉप जो बनाई है, ये वीडियो चल रही है बैक साइड पे अगर आपको दिख रही होगी तो मत आएगी। हाँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वहाँ से भाई की शॉप पे आ गया हूँ तो मुझे ये भाई मिले हैं, मेहा साहब उनके भाई हैं। हाँ नहीं बस उनसे तो आपने माशाल्लाह शॉप खोली है तो माशाल्लाह अभी 3-4 दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा फेमस होगी सही थी जी। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा अगर आप हमें जवाब देना चाहें। सर मैं ये पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पे परफ्यूम जो है हमारे पास किस रेंज के? अच्छा रेंज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे परफ्यूम 1200 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2400 तक जा रहे हैं क्योंकि अभी 20% डिस्काउंट, जब ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा
तो इनकी प्राइसेस रेंज हो जाएगी 1500 से लेकर 3000, ठीक है। जो हमारे अभी 1200 का है वो है 35 ml, 2L, ये यूनिसेक्स है, ठीक है। अगर हम सिग्नेचर पे जाते हैं, जो हमारे सिग्नेचर्स हैं जो मास सफर खुद यूज़ करते हैं वो M1 है। अच्छा, ये वो परफ्यूम है जो मास सफर भाई खुद यूज़ करते हैं। तो अच्छा, ये जो परफ्यूम जो मास सफर भाई लगाते हैं हमारा, तो ये लाइट है या हार्ड है? मतलब ये बहुत लाइट है। अच्छा, अगर आप मुझे चेक कराना चाहें तो करा दें। थोड़ा सा रब करें गाइस, अगर आप देख रहे हो तो सच में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है इसकी स्मेल। उसके अलावा एक मास्टर ब्रांड के भाई भी है ना जी, तो वो कौन से परफ्यूम लगाते हैं? हमें मसला ये है कि उन्होंने अपना क्लोजेट जो है ना वो कभी शो नहीं किया, तो अच्छा, वो हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हाँ, मुझे इतना पता है कि हमारी भाभी कौन सा लगाती है, वो लगाते हैं। अच्छा, मेरे भी शादी हो गई है, अगर मैं अपनी वाइफ के लिए ना चाहूँ तो बताएं, तो मैं आपको अच्छा, ये जो मास्क सदर भाई लगाते हैं, जब ये उनकी वाइफ लगाती है, तो ये मुझे इनके प्राइस बताना चाहिए। अच्छा, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये वैसे 3000 का, लेकिन 20% ऑफ चल रहा है, तो ये 2400 का पड़ेगा। अच्छा, सेम चीज़ इसके साथ आती है, ये 50 ml में है, 3000 का है, लेकिन अभी अगर 2400। अच्छा, हमने जो है दो और जो है वो किए हैं, जो कि M2 है और W2 है। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब ये 2-3 तक इसकी स्मेल नहीं जाएगी। हाँ, समझ लें, ये आप समझ लें कि इसकी स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मतलब ये मैन है, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सर में दर्द ना हो जाए। हाँ, ये सच कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। और इसकी दूसरी वाली मुझे क्या कह रहा है, ये जो है ये फीमेल वर्जन है इसका। अच्छा, प्राइस रेंज में अगर बात प्राइस की, तो ये भी 3000 के हैं, लेकिन डिस्काउंट के साथ ये आपको पड़ेंगे 2400। अभी हमारे पास 5 आर्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इतने कम आर्टिकल्स के आगे आपको रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं, इतने काम करेंगे? ये बेसिकली ये 5 आर्टिकल्स वो हैं जो हमारे जो है खुद सेलेक्ट किए हुए हैं, पर्सनली सेलेक्ट किए हुए हैं। बाकी भी हमारे पास 10 आर्टिकल्स हैं, लेकिन अभी हमने 5 रखे हैं, हम वो बता रहे हैं जो मास यूज करते हैं, ये सारे वो आर्टिकल। अगर मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँ तो और आर्टिकल्स ये कब तक के आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे? आएंगे 15 तारीख के बाद। अच्छा, मैं इस वजह से आया था, मैंने कहा मास सब लगे ब्लॉग उन्होंने देखे, उन्होंने अपने के लिए मैं सोचा कि आज यहाँ पे आया जाए, तो हमें मास भाई को नहीं मिले, क्या मिले? तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मास भाई कब मिलेंगे हमें यहाँ? गुड क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा सवाल है, और यहाँ पे तकरीबन हर बंदा आगे हमसे यही पूछता है। देखें, जब अगर मास, अगर हम आपको बता दें मास कब आता है, तो ये हाल जी। हाँ, मैंने देखा था कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो मास हमेशा जो है ना वो अनअनाउंस करके आता है। अभी आप उनसे बात कर रहे हैं, हो सकता है मास अभी आते हैं। तो मुझे एक काम करना, अपना नंबर देता है, मुझे बता दिएगा मास में। हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्टली हम नहीं कर सकते, ना हम नंबर दे सकते हैं, ये हमें बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा, फिलहाल अपनी फैमिली नहीं, हो सकता है फेसबुक पे भी लगा नहीं, 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 नहीं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो नवंबर में जो है ना वो जरूर विजिट करेंगे। अच्छा, इतना मैं आपको हिंट देता हूँ, मतलब 2-3 तारीख के बताया, ताकि मैं रोजाना यहाँ पे आके बैठ जाऊँ उनके लिए। वो आएंगे 15 तारीख के बाद आएंगे। चले, आप गाइस, आप लोग 15 तारीख के बाद जो है यहाँ पे आके बैठ जाना है, तो इंशाल्लाह एक आध दिन तो आपकी मुलाकात हो ही जाएगी। अच्छा, वो एक बात जैसे ये है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो उनका नेचर कैसा है, आपसे सवाल करने का? बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ। वीडियो में तो हमें ऐसा लगता है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत रियल लाइफ में भी ऐसे मिलता था, ऐसे ही है वो रियल लाइफ में भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि माशाल्लाह बहुत नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनफैक्ट वो बोलते हैं अपने फैंस को आने, तो हम उन्हें रोकते हैं, क्योंकि हमारे एक प्रोटोकॉल होता है, उसको हम फॉलो करते हैं, वो तो बोलते हैं आने दो जितने फैंस आते हैं। अगर उम्मीद करते हैं कि हमारी हमारे साहब से मुलाकात हो जाए 15 नवंबर के बाद, और कोशिश करेंगे, अगर कोई आप मुझे कुछ छोटी सी हिंट दे दें कि मैं उनसे किस तरह मिल सकूँ। देखें, हिंट तो सिर्फ ये हो सकती है कि आप यहाँ पे आए, आपसे ब्लॉग बनाया, ठीक है, आप हमें जो है मास्टर के पेजेस पर टैग कर दें, वो बेसिकली उसको शेयर कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है वो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। आपका नाम है सर? फहद खान। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह दोबारा बताएंगे, फिर परफ्यूम भी लेके जाएंगे। श्योर श्योर, चलो।
हाँ तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग? आज आपको जो है हमने मास सफर की जो है शॉप को जो विजिट कराया परफ्यूम की, और आपको ये उनके परफ्यूम्स भी चेक कराया कि मास सफर कौन से ब्लॉग कौन से परफ्यूम जो है वो लगाता है, और उसके बारे में आपको ये एक हिंट्स भी दी कि 15 नवंबर के बाद हो सकता है वो यहाँ पर आए, और 15 नवंबर के बाद कभी भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं अपनी शॉप पर। तो अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हो तो 15 नवंबर के बाद ज़रूर आइएगा उनकी शॉप पर, विजिट कीजिएगा, और परफ्यूम मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे ही थे। तो जब तक के लिए हमारे ब्लॉग को देखते रहें और कीप वॉचिंग आवर चैनल शाहरुख खान ब्लॉग।